इंदौर में लॉकडाउन को सोमवार के बाद भी बढ़ा दिया गया है। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को अगले सोमवार यानी 19 अप्रैल तक करने का निर्णय लिया गया है। इंदौर में सुबह 6 बजे खत्म होने वाला लॉकडाउन अब अगले सोमवार 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। इस दौरान हर दिन सुबह 3 घंटे के लिए छूट दी जाएगी। इंदौर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने CM शिवराज सिंह चौहान को इस बात का सुझाव दिया, जिसके बाद उन्होंने इसके लिए अनुमति दे दी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कृष्ण मुरारी मोगे ने प्रस्ताव दिया, जिसे CM शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी। लॉकडाउन के दौरान सब्जी और दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। किराने की दुकानें, गरीब वर्ग को अनाज उपलब्ध कराने वाली कंट्रोल की दुकानें और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जो सदस्य पूरे प्रदेश के जिलों के, उनसे VC के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। उसमें यहाँ के भी सभी संबंधित सदस्य जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के हैं, वो लोग आज उसमें थे VC में, और जो परिस्थितियाँ हैं इस समय उसके बारे में भी पूरा CM साहब ने अवगत हुए। पूरे सभी सदस्यों, संबंधित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार के पेशेंट्स पूरे आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं, किस तरह का प्रेशर है हॉस्पिटल में लेने में, और भी जो इस तरह की परिस्थितियों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट में किन किन बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग चल रही है, उस पर डिस्कशन डिटेल हुए, और इसको ईज आउट करने के लिए या आने वाले दिनों में ये संख्या और न बढ़े निरंतर, क्योंकि कल की जो स्थिति है वो अगले 10 दिन तक उसका असर देखने को मिलेगा, 7 दिन 8 दिन 10 दिन मिलेगा, पर ये परिस्थिति और न बढ़े, 10 दिन के बाद और विस्फोटक न हो, उसको देखते हुए मत था सभी संबंधित सदस्यों का कि माननीय मुख्यमंत्री सजेस्ट किया उन्होंने कि सर कुछ दिनों का हमको ये लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए हमको, और माननीय मुख्यमंत्री ने डेलीगेट किया है पावर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को कि जो निर्णय शहर के हित में उचित लगे वो जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पर निर्णय लेगा सरकार की उसमें सहमति रहेगी। सर हम कब तक इसमें निर्णय क्राइसिस के साथ बैठकर ले सकते हैं? लगभग निर्णय अभी ये तो हो गया है कि एक्सटेंड किया जाएगा, उसमें चर्चा करके अभी और क्या मॉडलिटीज़ रहेंगी उसकी, पर ये मॉडलिटीज़ भी क्राइसिस मैनेजमेंट की थी कि सुबह 9 या 10 बजे तक किराना की दुकान, राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स की दुकान जो कंट्रोल की दुकानें रहती हैं गरीबों को जो राशन मिलता है, सब्जी, अपनी दूध की व्यवस्था, ये अपन चालू रखेंगे। इसके बाद फिर दिन भर की सभी दुकानें बंद रहेंगी, और जिसको भी चाहिए आवश्यकता सुबह अपना 9 बजे तक 9:30 बजे तक ले लें, और ये व्यवस्था और इसमें जुड़ी गई है ताकि इसमें समस्या नहीं हो, इंडस्ट्री से भी चालू रहेंगे। सर लगभग कितने दिनों का ये हो सकता है जो बढ़ेगा लॉकडाउन? अभी तो मान के चलिए कि इस जो अभी 2 दिन का है, ये 4-5 दिन तो मिनिमम बढ़ेगा अभी है, और फिर देखते हैं परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।